So hello guys, welcome back to our YouTube channel Game Guru Ji. मेरा नाम है राजवीर राजपुरोहित और यहाँ पर मैं खेल रहा हूँ ETS2 Hero Truck Simulator 2 और यहाँ पर बहुत शानदार आप देख सकते हैं ग्राफिक्स भी. So ये गेम मेरी फेवरेट रह चुकी है और बेसिकली पूरे 7-8 साल बाद मैं फिर से यू आर रियली वांट टू करंट जॉब इज रियली ओके करंट जॉब कर रही है. तो इसे जॉब को रखते हैं. वैसे मेरा मनी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कम है, -65. बहुत कम क्या यार, कुछ नहीं है. वो भी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, सारे पैसे चले गए यार, बर्बाद हो गया मैं. सो हाल फिलहाल तो मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े दिनों में दूसरा एक बढ़िया वाला पीसी लाने वाला हूँ जिसमें यार सारी गेम चल सके. वैसे इस गेम का अभी इसमें बहुत अच्छा इतना रिजोल्यूशन नहीं है, इतना अच्छा दिख नहीं रहा. मैं आपको बताइए, जो लोग खेलते हैं उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पर आपको 6-7 टाइप के कैमरा मिल जाते हैं. मैं आप अगर कीबोर्ड पर फर्स्ट की सेकंड थ्री जो नंबर्स दिए गए वहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कैमरास मिल जाएंगे आपको. ऐसे मेरे जो ट्रक है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है. सो तो भी मैं ट्राई करूँगा आपको सही से बताने में. हाँ भाई देख लेंगे. सो अब मैं थोड़ी देर बाद बहुत ही शानदार सी चीज़ करने वाला हूँ यार, लाइव स्ट्रीम. आई होप लाइव स्ट्रीम विथ मल्टी प्ले मोड, वो भी इसमें, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है वो इतना मतलब पावरफुल नहीं है और इसमें सिर्फ मोस्टली ऐसी छोटी मोटी गेम ही चल रही है. मैंने पबजी डाल के देखी लेकिन पबजी तो इसमें सपोर्ट ही नहीं करी है. पबजी तो भाई बोल रही भाई मुझे छोड़ दे, मैं नहीं चलूँगी तेरे अंदर. सो पबजी को तो मैंने गोली मार दी और उसके बाद मैंने सोचा चलो और कोई गेम देख लेते. तो मैंने तो कहा रेसिडेंट इविल 2 और बाद में उसकी साइज़ देखी तो भाई मैं हक्का पक्का रह गया यार, 22 GB. सो मैंने सोचा चलो भाई हमसे नहीं हो पाएगा और इस कंप्यूटर से भी नहीं हो पाएगा. सो उसका सेटअप करीबन 22 GB का था, इसकी वजह से मैंने नहीं. और ये तो यार बहुत आसानी से वाली गेम है यार, आराम से आपको 500 MB में तो ख़त्म हो जाती है गेम. इसका सेटअप वेटअप करके आप 1-2 GB तक हो जाता है, लेकिन यार ठीक है. इसका इंडियन हॉर्न डालना है, अभी मैं उस पर ही काम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत. तो मज़ा आया यार थोड़ा इंडियन हो. स्पीड नहीं पकड़ रहा. इतना सही से स्पीड तो नहीं पकड़ रहा लेकिन सही है यार. क्या बात है, यह सीन वादिया
पीछे गाड़ी आ रही है, वो मरवाना जरूर। लाइट चालू हो गई सबकी तो हमने चालू कर दी थे। इसका बेसिकली मैंने जब देखा तो ये सेम एज अपना जो मोबाइल में है उसकी तरह ही इसमें रोड है, बेसिकली एरो ट्रक ड्राइवर और जो रिलैक्स की तरफ से है उसका इसका थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन यार रोड के मामले में मुझे सेम ही लगा। ये बात अलग है कि इसमें बहुत कम सिटीज़ है, इसमें करीबन 30 से ज़्यादा सिटीज़ है। मल्टीप्ले मोड यार मैं बहुत उत्सुक हूँ मल्टीप्ले मोड के लिए, क्योंकि यार मुझे भी खेलना है उस मोड को, लेकिन अभी तक का लॉगिन और वो सब का हो चुका है मुझे ट्रिपल सेंट टीम पर। तो यहाँ पर बारिश करनी चालू हो गई, लाइटनिंग हो रही है। ये बारिश में बहुत मुश्किल हो रही है मुझे चलाने में इसको। अब कुछ थोड़ा बहुत दिख रहा है क्या कुछ 89 मैक्स स्पीड पर चला हूँ मैं अभी। इसमें मैं थोड़ा बहुत अच्छा हूँ आप इसमें बोल रहा हूँ अपने बारे में, लेकिन बाद में बहुत ख़राब हालत हो जाती है जब मैं अपने खुद के बारे में अच्छा बोलता हूँ तभी अचानक से कहीं से गाड़ी आकर मुझे ठोककर चली जाती है। सो वैसे तो मैं इतना अच्छा ड्राइव नहीं करता इसमें, लेकिन यार ठीक है यार थोड़ा बहुत, क्योंकि पूरे 8 साल के बाद मैं हाथ में लिया इस लैपटॉप और कंप्यूटर जो बोलो यार इस चीज़ को। सो सारी चीज़ें 8 साल बाद फर्स्ट टाइम यूज़ करने में थोड़ा बहुत तकलीफ तो हो रहा है, लेकिन ठीक है यार मज़ा तो आएगा। कंप्यूटर गेमिंग और मोबाइल गेमिंग मैं दोनों पर फोकस करना चाहता हूँ, सो रखेंगे दोनों पर फोकस। आप मुझे यार आइडिया दे सकते हैं कि कौन सी गेम का रिव्यू करूँ, अभी थोड़े दिनों से मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है मेरी स्टडी की वजह से सबकी वजह से, तो आफ्टर यस बस 1 महीना है और है मेरे पास, 1 महीने के बाद मेरा एंड एग्ज़ाम जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो उसके बाद मैं फ्री होऊंगा करीबन 2 महीने के लिए। वैसे मुझे एंट्रेंस के लिए तैयारी करनी होगी, लेकिन थोड़ा बहुत फ्री होगा तो तब मैं थोड़ा बहुत अच्छे वाले और वीडियो लाऊँगा। मैं अभी एक जगह पर नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन सीख रहा हूँ यार थोड़ा तो।
है सही से 90 तक पहुंच गया। ट्वेंटी सेवन किलोमीटर रिमेनिंग है। बहुत अच्छा दिख रहा है नज़ारा, मुझे दिख रहा है नहीं एक लेन से दूसरी लेन तक कितनी फास्ट में निकल रहा है। तो मेरे पास जो लोड है वो पाइप का है, तो यहाँ पर अभी तक मैं कार को क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन वहाँ पर दूसरी कार आके ओवरटेक करके जा रही है। स्लो स्लो डाउन स्लो डाउन। तो यहाँ तक रखते हैं गाइस, और आगे के वीडियो में आपको और इस जर्नी के बारे में बताऊंगा। भाई तू पीछे से मत आ, मैं घुसा दूंगा तेरे अंदर। चलो तो आगे की जर्नी अब हम कंटिन्यू रखेंगे इसी से। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।